फिर से ओफामा से ज्यादा उम्मीद है। ये बताइए कि जो ये टूर्नामेंट रखा गया है, जमशेद खान, यासर, रकीब और जितने भी यहाँ के लोग हैं, इन्होंने ये टूर्नामेंट रखा है अल्लामा शिबली नुमानी ट्रॉफी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? टूर्नामेंट तो उन्होंने फर्स्ट टाइम रखा है, लेकिन अच्छा है और अभी तैयारी चालू है उनकी, इंशाल्लाह अभी और अच्छा करेंगे इसे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ दिगंबर है। दिगंबर, आपने टॉस हारा है, आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? फील्डिंग ही करने वाले थे, लेकिन इस वक्त आपको बल्लेबाजी दी गई। पॉइनियर स्पोर्ट्स की जो गेंदबाजी वो बहुत ही मजबूत है, तो कहाँ तक आप जाना चाहोगे पहले बल्लेबाजी करते हुए? 50 या 50 प्लस के जाने पर। देखिए, 50 प्लस के लिए आपके पास तो सभी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन इस मुकाबले में पॉइनियर स्पोर्ट्स के सामने कोई ऐसे बल्लेबाज से आपको ज्यादा उम्मीद रहेगी? सागर से। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, हम पहली बार खेल रहे हैं तो अच्छा बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त टॉस हो चुका है, पहले मुकाबले का टॉस को जीता है पॉइनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन जावेद ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। हमारे बीच में इस वक्त शहबाज शेख आ चुके हैं, वेलकम, जो पूना से इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। वेलकम सर, शहबाज खान है। अदनान शेख और शहबाज खान इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए, वेलकम अदनान शेख और साथ में उनके बहन भाई अदनान शेख के शहबाज खान हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ लाते हुए, वेलकम शहबाज खान साहब और अदनान भाई, आपका इस्तकबाल है अल्लामा शिबली नुमानी ट्रॉफी में आए हुए सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अल्लामा शिबली नौमानी ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है, आप सभी का अमी के दिल से इस्तकबाल है और पहला मैच ही बहुत ही धमाकेदार होने जा रहा है। पाइनियर तालुका क्रिकेट का बड़ा नाम अल्ताफ बाली फैम टीम पाइनियर बनाम नौशाद खान फैम टीम एसबी स्पोर्ट्स के बीच में मैच होने जा रहा है। टॉस को जीता है पॉइनियर ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। आप टाइप कर सकते हैं प्रिंस मूवीज लाइव या अल्लामा शिबली नौमानी ट्रॉफी। पहले
मैंडेटरी पावर प्ले में दो ओवर सर्कल, दो खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेंगे, दूसरे में तीन रहेंगे और उसके बाद नॉन पावर प्ले में पांच खिलाड़ी बाहर रहेंगे। जैलिस तलोली और जॉली है और आखिर में इस मैच की और अगले मैच की विजेता टीम है। फर्स्ट बॉल ऑफ अल्लामा शिबली नौमानी ट्रॉफी 2020, हाजी नोमान खान मितास, the ex-corporator of Bhiwandi Nizampur Corporation. First ball, Usama, right arm over the wicket, facing him Digambar, uses feet but beats him. What a delivery! बिल्कुल अच्छी गेंद वहां पर रही, पहली गेंद उसामा की, आगे निकल कर इस गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज दिगंबर। अच्छी गेंद वहां पर रही उसामा की, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए बाहर की तरफ घटी थी गेंद उसामा की, जिसे पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज दिगंबर। दिगंबर फेसिंग उसामा, हियर गोज उसामा, राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल दिस टाइम प्लेड ब्यूटीफुली, टकिंग ऑन द ऑन साइड and with the stroke batsman through for one. Fike is there, SB off the mark with single, one for no wicket. अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज दिगंबर ने, गेंद की लाइन में आकर उस गेंद को खेला मिड ऑन की जानी, जब तक फाइक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन पूरा कर लिया, इस एक रन की मदद से खाता खुलता हुआ एसबी स्पोर्ट्स और दिगंबर का। उसामा राइट आर्म ओवर द विकेट, बाज करण ने अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे पहले ओवर में उसामा द्वारा। ऑल द बेस्ट फॉर पायनियर फ्रॉम बशीर पासवरे, अली खरबे ने ऑल द बेस्ट कहा है फाइक अंसारी और पायनियर स्पोर्ट्स को। उसामा राइट आर्म ओवर द विकेट, दिस टाइम स्विच इट, यस इज आउट, व्हाट आर टेकन बाय अशिरिन कवस एंड फर्स्ट विकेट हैज फॉलन नाउ। Once more Usama delighted, once more Pioneer delighted. बिल्कुल बाबे सर, वहां पर एक बार फिर से उसामा ने पहले ओवर में ब्रेक थ्रो दिला दिया है। यही खास बात है उसामा की कि वो पहले ओवर में ही विकेट निकालते हैं, इस बार भी उन्होंने वही किया। करण की पारी समाप्त होती हुई पहला विकेट गिरता हुआ एसबी स्पोर्ट्स का। कमेंटेटर रकीब अंसारी ने इस वक्त इस टूर्नामेंट को और दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। And tomorrow Rakib will join us in commentary. So Usama once more claim the very important wicket and claim the breakthrough for Pioneer side, one of the key bowler in Taluka cricket since from 5 to 6 years. What a bowler he is. Four times hat-trick claim by Usama create the new history. And three times is the best bowler of the tournament, three times
Vivek Shelar also. Usama, charging from here, new batsman, Akshay on his right. Goes to Akshay, drive, good looking stroke. Deep mid off after it. One more to total now. This is the slow start from SB Sport, two for the loss of one wicket. Bilkul Babi sir, wahan par bahut hi dheemi shuruaat hui hai SB Sports ki. जहाँ पर एक विकेट भी गिर चुका है करण के रूप में अभी भी वहां पर दिगंबर मौजूद है जो अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है उसामा वस्तु दिगंबर ट्राई टू चॉप वी फ्रॉम हिज बॉडी व्हाइट सिग्नल फ्रॉम अंपायर मोमिन वन टू स्कोर नाउ स्कोर मोज अप टू थ्री फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट गुड स्टार्ट फ्रॉम उसामा यू आर वॉचिंग अल्लामा शिबली नोमानी ट्रॉफी 2020. Usama charging from here. This time played beautifully, but a pitch stroke indeed. Try to play over the extra cover and ball is traveling back out of the point. One to score now. Score that marks end of the first over. Four for the loss of one wicket. तो अच्छा और यहाँ पर रहा. उसामा का जहां पर एक विकेट हासिल किया और सिर्फ चार रन खर्च किए तो पहले मैंडेटरी पावर प्ले में हम देख रहे हैं एसबी स्पोर्ट्स की उस तरह से शुरुआत नहीं हो पाई है उसका कारण है कि उसामा ने अच्छी गेंदबाजी की सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था पायनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन जावेद ने आप देख रहे हैं अल्लामा नुमानी शिबली ट्रॉफी 2020 जिसका ये पहला दिन और पहला ही मुकाबला इस वक्त शुरू हो चुका है इसके बाद जो मुकाबला है बालाजी स्पोर्ट्स और विक्टोरियन के बीच में मुकाबला रहेगा अगला मुकाबला चार रन एक विकेट गेंदबाजी के लिए फाइक अंसारी को बुलाया गया है कल मैन ऑफ द सीरीज रहे थे फाइक अंसारी अभी तक तीन मर्तबा सूरज केने सीजन में मैन ऑफ द सीरीज हैं दो मर्तबा किशन मात्रे पवन केने और दो ही मर्तबा फाइक अंसारी मैन ऑफ द सीरीज हैं इससे साबित होता है कि सीजन में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं फाइक अंसारी राइट आर्म ओवर द विकेट कट किया हवा में लेकिन गैप में गेंद निकलती हुई पीछा कर रहे हैं फुरकान गेंद का जब तक गेंद को उठाते दो रन बना लिए बैट्समैन ने थोड़ी सी जगह दी थी शॉट खेलने के लिए वहां पर दो रन से दिगंबर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन चार पर हैं और कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचा दिया है छह रन एक विकेट गंवाने के बाद सिक्स फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट फाइक अंसारी सामना करें दिगंबर इस मरतबा वाइड यॉर्कर थी पैरों से टकराई गली में आकिब खान ने गेंद को उठाया लेग बाई का इशारा तवाम पैर का एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ सात पे पहुंचा है वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी वहां पर गेंदबाज फाइक ने सफल होकर उसे सुलाह करना चाहते थे बल्लेबाज स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस एक रन की मदद से सात रनों पर राइट आर्म ओवर द विकेट इस मरतबा हवा में गेंद और आउट तो एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त एसबी स्पोर्ट्स का अक्षय के रूप में तो दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ एसबी स्पोर्ट्स को पहले आउट हुए थे करण और अब अक्षय की पारी भी समाप्त होती हुई बहुत अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं
गेंदबाजी कर रहे हैं फाइक अंसारी, सामना करेंगे दिगंबर। इस मरतबा अच्छा ड्राइव, आंखों के नीचे शॉट को खेला, लॉन्ग ऑन पे गेंद गई है, दूसरी की कोशिश है और दो रन बनाते हुए बैट्समैन। दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर। बशीर पाशवारे ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है पॉइनियर स्पोर्ट्स को। फाइक इस मरतबा स्वीप करने की कोशिश ऑफ स्टंप के बाहर से, चारू शॉट खेलना चाहते थे, गेंद स्क्वायर लेग पे पहुंची है, एक रन बनता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, बढ़िया गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, काफी अच्छी गेंद थी, आगे रख दिया था वहां पर फाइक ने। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है, 10 विकेट गिरी है 2। अल्लामा शिबली नोमानी ट्रॉफी का आरंभ ओपनिंग मैच आप देख रहे हैं, अल्ताफ अली फैम टीम पाइनियर और नौशाद खान फैम टीम एसबी स्पोर्ट्स के बीच में। मोहतरम हमारे एक्स कॉर्पोरेटर और आज के मोहजिज मेहमान हाजी नोमान खान साहब हमसे विदा लेते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्हीं के हाथों से पहला टॉस हुआ था। यासिर शेख, रकीब मिर्जा, जमशेद खान आप तक लाए अल्लामा शिबली नोमानी ट्रॉफी। अगली दौर में क्या होता है, उसामा को कंटिन्यू रखा है, आइए सुनते हैं मजर खान से। हेलो, तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर एसबी स्पोर्ट्स ने बनाया 10 रन। दोनों गेंदबाजों ने बहुत अच्छा ओवर किया अपना। उसी बीच वहां पर उसामा की अच्छी गेंद, वहां पर एक बार फिर से अच्छी गेंद रही उसामा की। पिछला ओवर भी बहुत बढ़िया किया था उसामा ने, जहां पर 4 रन खर्च किए थे। कहीं ना कहीं भाभी सर, अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है एसबी स्पोर्ट्स। अगर हम पहले 2 ओवर की बात करें तो जहां पर रन नहीं आए बल्कि 2 विकेटें भी गिरी है। 2 ओवर की समाप्ति पे हमने देखा जो मैंडेटरी पावर प्ले था उसमें सिर्फ 10 रन आए। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया, देखना डीप में वहां पर अकबर मौजूद है और उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके तेज कदमों के साथ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई, जैसे देखा कि डीप से वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। अच्छा स्ट्रोक खेला था उस गेंद के ऊपर दिगंबर ने, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक। उसामा कल नंबर 2 पे वो रहे थे ऑलराउंडर में भी और नंबर 2 पे विकेटों में भी रहे थे, जबकि राजदीप ने 9 विकेटें ली थी। इस बार कट करना चाहते थे उस गेंद को दिगंबर, अच्छी गेंद एक बार फिर से रही उसामा की, जोरदार अपील की गई थी उस गेंद के ऊपर, तो एक और गेंद डॉट होती हुई। खड़े खड़े उस गेंद को कट करने की कोशिश की थी बल्लेबाज दिगंबर ने। वैसे तो अगर हम दिगंबर की बात करें तो इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं वो, धीरे धीरे अपनी टीम को एक फाइटिंग टोटल की तरफ बढ़ाते हुए, लेकिन अभी भी इनफ टोटल नजर नहीं आ रहा, अब तक सिर्फ 12 रन बने हैं। इस बार देखना हुक कर दिया उस गेंद को और गेंद जाती हुई 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा इस बार दिगंबर के बल्ले से,
उसी बीच एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक आता हुआ दिगंबर के बल्ले से, दो गेंदों में दो चौके जड़ दिए वहां पर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दिगंबर। जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर लगातार बैक टू बैक दो गेंदों पर दो बाउंड्री आ गई है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त दिगंबर। टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 20 रनों पर। अब जाकर अच्छा टोटल बनता हुआ इस बी स्पोर्ट्स के लिए और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिगंबर। उसी बीच वहां पर देखना है कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद को खेल दिया और उसी बीच आउट होते हुए एक और विकेट गिरता हुआ वैभव की पारी भी समाप्त होती हुई। तो इस बी स्पोर्ट्स को लगने वाला ये तीसरा झटका रनआउट के रूप में आउट होकर वापस लौटते हुए वैभव। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 20 रन बने हैं जबकि तीन विकेट गिरी है। उसामा ने अपने दो ओवर में कुल मिलाकर 14 रन खर्च किए और एक विकेट हासिल किया है। अब अगले बल्लेबाज इस वक्त जाते हुए बल्लेबाजी के लिए सागर पाटिल, जबकि अभी भी वहां पर दिगंबर मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमने देखा पिछले ओवर में उसामा की दो गेंदों पर दो बाउंड्री लगाई थी। एक अच्छा स्ट्रोक खेल रहे हैं दिगंबर और कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ाने की। अब देखना है तीसरे ओवर के लिए जावेद को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए, जबकि पहले तीन ओवर में दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। उसामा ने अपने दो ओवर में 14 रन खर्च किए और पिछले ओवर जो फाइक कर रहा था वहां पर फाइक अंसारी ने जो रन खर्च किए थे एक विकेट हासिल कर 6 रन दिए थे, जबकि चौथा ओवर लेकर आते हुए जावेद सामना करेंगे दिगंबर। पहली गेंद वहां पर एक बार फिर से खड़े खड़े गेंद को कट करने की कोशिश की वहां पर दिगंबर ने, एक और अच्छी गेंद वहां पर जावेद की डॉट होती हुई। सुबह सुबह हमसे जुड़ चुके हैं हमजा अलबे शायर, उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है पायनियर को। इस बार अच्छा फ्लैट दिया था इस गेंद को, स्लॉक करने की कोशिश की थी उस गेंद के ऊपर दिगंबर ने, एक और गेंद डॉट होती हुई। देखिए बाबू सर, जिस तरह से दिगंबर बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच बीच में वो अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हैं जरूर, लेकिन ज्यादातर गेंदे वो डॉट भी कर रहे हैं। 15 गेंदों में अब तक 17 रन बनाए उन्होंने। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक, एक रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर डबल स्टेप पर जाकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज दिगंबर ने। देखिए फाइक अंसारी लगातार बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जावेद को पता है कि विकेट टफ है, पहला मैच है, पिच में जो नमी है उसका अच्छा लाभ उठा रहे हैं। गेंदों को काफ़ी वेरिएशन लेग ब्रेक के अंदाज में कर रहे हैं, ऑफ ब्रेक कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा वेरिएशन है जावेद की गेंदबाजी में। एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर रही जावेद की डॉट होती हुई। मुकाबले के टॉस के लिए आना है दोनों कैप्टन, टॉस बॉक्स में आकर बैठना है बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन। इस बार वाइड गेंद कर बैठे वहां पर जावेद, लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद स्कोर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 22 रनों पर। चौथे ओवर का खेल इस वक्त चलता हुआ आज के दिन का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं। उसी बीच वहां पर एक बार फिर से फ्रंट फुट को आगे निकालकर स्लॉक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज सागर ने, तो अच्छा ओवर घटता हुआ इस वक्त जावेद का भी, अब तक 3 रन खर्च किए उन्होंने। इसके बाद हम देखेंगे बालाजी स्पोर्ट्स और विक्टोरियन स्पोर्ट्स को एक्शन में। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, एक और गेंद डॉट होती भी। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है
चार ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो जो रन अब तक बने हैं सिर्फ 23 रन बने हैं। भाभी सर अभी भी इनफ टोटल नजर नहीं आ रहा है जहाँ पर पनीर स्पोर्ट्स को एस बी स्पोर्ट्स फाइट दे सके, उस तरह का चार ओवर में टोटल नहीं बना है। अब देखना है बचे हुए दो ओवर में कि यहाँ से एस बी स्पोर्ट्स के बल्लेबाज अपना गेयर चेंज करेंगे या फिर पनीर के गेंदबाज उसी तरह से गेंदबाजी करेंगे, ये सब कुछ बताएंगे सिद्दीक भाभे सर। शुक्रिया मजर खान, अदनान शेख वी आई पी डाइस पे हैं। अल्लामा शिबली नोमानी ट्रॉफी का ओपनिंग मैच आप देख रहे हैं, चार ओवर में पनीर ने बहुत ही कसी भी गेंदबाजी की है। उसामा दो ओवर में 14 रन जबकि फाइक ने एक ओवर में 6 रन और जावेद ने बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी की एक ओवर में 3 रन। गेंदबाजी के लिए फाइक अंसारी को इस एंड से बुलाया गया है, पहला ओवर उन्होंने हाजी समद से एंड से किया था। फाइक अंसारी सामना करेंगे बैट्समैन सागर पाटिल। पहली गेंद खींच के मारा है, कंट्रोल पुल शॉट है, गेंद डीप में गई है, बढ़िया फील्डिंग थ्रो लेकिन खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में वापस खींचा। स्कोर 24 रनों पे पहुंचा है 24। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा आगे रखा था, ड्राइव किया गेंद को, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, दो रन पूरे करते हुए तीसरे की कोशिश है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं दोनों, दो रन से स्कोर 26 पे पहुंचा है 26। जी बिल्कुल भावे सर, वहां पर अच्छी रनिंग होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। फाइक अंसारी इस मरतबा सीधे ब्लेड से खेल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑफ पे, उसामा के पास दूसरा रन लेना चाह रहे हैं और पूरा करते हुए थ्रो उतना अच्छा नहीं था, दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अट्ठावीस रनों पे पहुंचा है 28। फिलर लेन की गेंद थी और उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया था बल्लेबाज दिगंबर ने, दो रन आते हुए इस गेंद के ऊपर, अच्छे स्ट्रोक इस वक्त खेलते हुए दिगंबर। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, वाइट घोषित के अंपायर ने, एक रन स्कोर में आता हुआ 29 पे पहुंचा है स्कोर 29 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फुलर लेंथ की गेंद, टर्न किया पैरों के सामने आउटफील्ड में, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, तीस रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं, दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 पे पहुंचा है। पांचवा ओवर चल रहा है, अगला मुकाबला बालाजी स्पोर्ट बनाम विक्टोरियन। बालाजी बनाम विक्टोरियन, फाइक की गेंद, धीमा बाउंसर, हुक करने की कोशिश कामयाब नहीं हुए वहां पर। आरडी ट्रिप बालाजी दयानंद चोरगे फैम टीम की कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है और विक्टोरियन के कैप्टन। अच्छा ड्राइव आंखों के नीचे,
वी की शक्ल में उसामा ने गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन दो रन फिर से भाग लिए बल्लेबाजों ने। पांच ओवर की समाप्ति पे रन बने एसबी स्पोर्ट्स के 33, विकेट गिरी है 3। आज के मैचेस में आपको बताता चलूं, पायनियर बनाम एसबी, बालाजी बनाम विक्टोरियन, आरडी बनाम साइंस खारबाओ, उसके बाद सोना देवी बनाम एसके स्पोर्ट्स, पांचवा मुकाबला जो रहेगा जैलीज तलोली बनाम जॉली, और आखिरी मुकाबला रहेगा इस मैच की विजेता टीम और अगले मैच की विजेता टीम। समीर अंसारी हमारे बीच में, पायनियर के 12वें खिलाड़ी, कल एक बड़ा फाइनल संगमपाड़ा से लेकर आए हैं। आकिब खान टिप्पा खाने के बाद ज्यादा कटी व्हाइट से शुरुआत करते हुए आकिब एक रन स्कोर में बढ़ता हुआ 34 रन। इस मरतबा गेंद को खेल दिया हवा में, कॉटन बोल्ट का चांस था लेकिन कैच छूटा। दो रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 36 पे पहुंचा है। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग हो रही है पहले मैच में पायनियर की तरफ से। अभी तक आज़ादी भरत ने नहीं दी है, अब रमीज रईस क्लोज हो गए हैं विकेट के। बढ़िया गेंद रमीज रईस के हाथों से छूटी हुई, काफ़ी शार्प टर्न था वहाँ, कैच भी छूटा है, हालांकि बहुत क्लोज विकेट कीपिंग कर रहे हैं। दो गेंदों में दो जीवनदान मिले हैं और स्कोर है 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। पायनियर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये देखिए डगआउट, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल नहीं है। इस मरतबा स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, रन पूरा करते हुए बैट्समैन। होटल साइल डगआउट को दिखाया जा रहा था। इस बीच खींच के मारा फिस्टम के बाहर से, गेंद लॉन्ग ऑन पे पहुंची, एक रन बनाए, दूसरे की कोशिश है और दो रन पूरे करते हुए बैट्समैन। दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पे पहुंचा है आकिब। इस मरतबा फ्लिक कर दिया है इनको डीप स्क्वायर लेग पे, बढ़िया फील्डिंग अकबर की, तेज थ्रो, सिर्फ एक रन। अकबर आउटफील्ड में बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं, एक रन से 41 पे पहुंचा है स्कोर। चेयरअप किया जा रहा है अकबर को, जिस तरह एक ही एक्शन में गेंद को उठाया
और थ्रो भी किया। स्विच हिट करने की कोशिश, ऊपर लगी है, एक रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं और थ्रो पहुंचा और आउट हो गए। तो कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति पे रन बनाए एसबी स्पोर्ट्स ने 42, पायनियर के सामने 43 की चुनौती। आइए अगले टॉस के लिए हम आपको लिए चलते हैं। खेलने वाली टीमें दयानंद चोड़गे फैम टीम, बालाजी स्पोर्ट जिनका बिग शो आप देखने जा रहे हैं, और विक्टोरियन स्पोर्ट। तो दोस्तों टॉस होने जा रहा है इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स और विक्टोरियन के बीच में। हमारे बीच में अदनान शेख और शहबाज खान हैं। मैं उनसे कहूंगा सर आपको टॉस के लिए आना है हमारे टॉस बॉक्स में। तो शहबाज खान और अदनान शेख इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में आते हुए। दोनों कैप्टन इस वक्त शोएब मेमन विक्टोरियन के और सागर ठाकरे बालाजी स्पोर्ट्स के। वेलकम अदनान शेख और शहबाज खान। तो देखना है टॉस को जीता इस वक्त विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान शेख आपका और शहबाज भाई आपका। तो इस वक्त मेरे साथ है विक्टोरियन के कैप्टन शोएब मेमन। शोएब भाई टॉस आपने जीता है, क्या करना चाहेंगे बड़े मुकाबले में? पहले बैटिंग करना चाहेंगे। बैटिंग करने का कारण हम जान सकते हैं? सामने बड़ी टीम है तो जाहिर सी बात है सुबह का गेम है और काफी बॉल स्लो भी आ रहा है पिच के ऊपर, तो कोशिश यही करेंगे कि पहले बैटिंग करें और 50 के ऊपर जाने की कोशिश करें। देखिए बालाजी जो टीम है एक अच्छी टीम है, इनके पास जो गेंदबाजी है वो भी अच्छी है, तो कोई गेम प्लानिंग के साथ आप इस टूर्नामेंट में आए? नहीं, अभी तक तो कोई गेम प्लानिंग नहीं है, बस ये कि अच्छा क्रिकेट खेलना है और एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है, पहले जहन में यही है, उसके बाद फिर सेकेंड इनिंग क्या होता है उसके बाद प्लानिंग करेंगे। ये बताइए कि जो आपने बल्लेबाजी का फैसला लिया है, कोई ऐसे बल्लेबाज जो आपको फ्लाइंग स्टार्ट देंगे? रमजान है, राजू सैयद है और भी ऐसे काफी बैट्समैन हैं जो अच्छा हिटिंग कर लेते हैं, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि काफी अच्छा एक स्कोर खड़ा करे और अच्छा एक डिफेंड करे हम लोग। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? नो डाउट बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, काफी अच्छा लग रहा है देख के कि पहला मैच भी काफी अच्छा हुआ और अभी हम देख भी रहे कि आगे भी काफी अच्छा क्लाइमेट है, खेलने मजा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ सागर ठाकरे। सागर भाई आपने टॉस को हारा, आपको इस वक्त पहले फील्डिंग दी गई, आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? हम बैटिंग करने वाले थे लेकिन इस वक्त फील्डिंग आई है, कहाँ तक रोकना चाहेंगे विक्टोरियन स्पोर्ट्स को आप? 50 से 55 तक रोकना चाहेंगे। देखिए बालाजी स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है इस साल का, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, यहाँ से एक नई शुरुआत करने जा रही बालाजी स्पोर्ट्स? हाँ जरूर नई शुरुआत करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करके फाइनल तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इस मुकाबले में कोई ऐसे ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी आपके जिससे आपको ज्यादा उम्मीद रहेंगी? है ना देवा, उनसे खूब अपेक्षा है हमारी टीम को, वो अच्छा खेले और टीम को जीतने की जिताए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है विक्टोरिया ने कैप्टन शोएब मेमन ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों आप देख रहे हैं अल्लामा शिबली नौमानी ट्रॉफी। 1857 में अल्लामा शिबली नौमानी
रहमतुल्लाह अली की मशहूर हस्ती थी। 1857 में उनकी पैदाइश हुई थी और 1914 में इस दुनिया को उन्होंने खैरबाद कहा था। बहुत ही मशहूर शायर थे। तो इस वक्त दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं पॉइनियर स्पोर्ट्स की तरफ से, उमर खान और रमीज रईस। जो टारगेट है पॉइनियर स्पोर्ट्स के सामने वो 43 रनों का टारगेट है। अल्लामा शिबली नौमानी का ताल्लुक आजमगढ़ से है, यूपी के। 1857 में उनकी पैदाइश हुई थी और इस दारुल फानी से दारुल बका के लिए 1914 में कूच कर गए थे। बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर थे अल्लामा शिबली नौमानी। खेल की शुरुआत होती हुई पानियर के दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे, शॉटगन लिटिल मास्टर उमर खान और कीमैन अच्छे टच में रमीज रईस। गेंदबाजी के लिए फैसल। पानियर के सामने जो लक्ष्य है वो है 43 रनों का। पहली गेंद स्वीप कर दिया है, बहुत खूबसूरत शॉट। गेंद डीप मिडविकेट बाउंड्री और स्क्वायर लेग के बीच में 4 रन। क्या गजब का शॉट खेला है उमर खान ने। फ्रंट फुट को आगे किया, स्वीप किया गेंद को, 4 रन। जी बिल्कुल भावेश सर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त उमर खान के बल्ले से आता हुआ वहां पर। ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक को खेला वहां पर फैसल की गेंद पर उमर खान ने। फ्रंट फुट को आगे निकाला, लोअर फुल टॉस गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वीप कर दिया था गेंद को। इस चौके की मदद से पॉइंटर का और उमर खान का खाता खुलता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए निकल के मारने की कोशिश, लेग कटर और आउट, जाल में फंस गए। गति को कम कर दिया था, फ्रंट फुट पे फिट हुए थे और आउट हो गए उमर खान। अच्छी गेंद रही थी वहां पर और गेंद की पीच तक जाकर उस गेंद को ड्राई कर लगाना चाहते थे उस गेंद के ऊपर उमर खान। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट थी भावे सर, बाहर की तरफ गेंद कट रही थी। ये देखिए हाथों के पीछे से किया था, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। पहला झटका लगता हुआ नए बैट्समैन उसामा, जो मैन ऑफ द सीरीज के नंबर 2 पे रैंक कर रहे थे गावदेवी कप काटई में और विकेटों पे भी नंबर 2 पे रैंक कर रहे थे। किशन मात्रे, पवन केने और फाइक अंसारी इस सीजन में 2 मर्तबा मैन ऑफ द सीरीज हैं और 3 मर्तबा सूरज हैं। युतिका के गेंदबाजी कर रहे हैं फैसल। सामना करेंगे बैट्समैन उसामा। धीरे धीरे अब दर्शक बढ़ते हुए, इस मरतबा गेंद को आने दिया, धीरे से पुश किया स्टंप्स को कवर करके उसामा ने 1 रन के लिए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 पे पहुंचा है। अच्छी गेंद रही थी वहां पर फैसल की, टॉस हो गई थी ये गेंद और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टंप को कवर कर उस गेंद को पुश कर दिया था उसामा ने। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 1 रन की मदद से 5 रनों पर, एक विकेट गंवाने के बाद पॉइनियर स्पोर्ट्स। फैसल राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा रमीज ने स्टंप को कवर किया, बहुत ही सेंसिबल बैटिंग, चुरा लिया है तुमने जो रन को। 1 रन बनाते हुए
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पे पहुंचा, क्योंकि विकेट में थोड़ी सी नमी है और यहाँ पे जोखिम नहीं लेना चाहते दोनों बैट्समैन। पानियर तालुका क्रिकेट का बड़ा नाम है, इस मरतबा ड्राइव किया पैरों के सामने आउटफील्ड में, एक रन बना है और एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। पिछले साल भी नंबर 2 पे रैंक कर रही थी पाइनियर, इस सीजन में नंबर 3 पे रैंक कर रही है। सात रन एक विकेट गंवाने के बाद राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए रमीज राइस को स्ट्रोक को चेक किया, धीरे से पंच किया कवस में, एक रन। पहला ओवर समाप्त हुआ, पानियर का स्कोर है 8 रन एक विकेट गंवाने के बाद। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी की थी। अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में बहुत ही मशहूर शायर थे, उनके 2 शेर, यार को रगबते अय्यार ना होना पाए, ना होना चाहिए गुले तार को हवस से खार ना होना चाहिए। आप जाते तो हैं उस बज्म में लेकिन शिबली हाले दिल देखिए इजहार ना होने पाए, यार को रगबते अग्यार ना होने पाए, गुले तार को हवस से खार ना होने पाए। आप जाते तो हैं उस बज्म में लेकिन शिबली हाले दिल देखिए इजहार ना होने पाए। ये अल्लामा शिबली के अशार हैं। एक ओवर कुल मिलाकर रन बने 8, विकेट गिरा 1। यहाँ से 5 ओवर में साहिबा मोमिन बता रहे हैं कि 35 रन चाहिए पानियर को जीतने के लिए। इस मैच की विजेता और अगली मैच की विजेता आज आखिरी मुकाबला खेलेंगी। नाजिम मद्दू और उनके बेटे ने पानियर को ऑल द बेस्ट कहा है। हमजा कामनकर ने भी ऑल द बेस्ट कहा है। किसी ने पूछा है कि ग्रामीण और सिटी का मैच कब है, आखिरी दिन रहेगा 26 तारीख को। इस मरतबा कट किया रमीज ने लेकिन फील्डिंग अच्छी भी है वहां पर, एक रन। हालांकि जगह दे बैठे थे, बहुत खूबसूरत शॉट था। रमीज रईस कई दिनों से बल्लेबाजी में इसलिए अच्छे टच में है कि गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी करते हैं। यासिर शेख, रकीब मिर्ज़ा, जमशेद आप तक लाए, जमशेद खान। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया ओसामा ने, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। छः तारीख को एक नुमाइशी मैच रखा गया है ग्रामीण के सितारे। देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला है, स्क्वायर लेग थोड़ा सीधा खड़ा था, अपने आप को थोड़ा सा रूम दे दिया था वहाँ पर उसामा ने, इसको उछलता हुआ पहुँचा है पानियर का 13 रन, 13। अवेश रईस ने भी पानियर को ऑल द बेस्ट कहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए निकल के मारने की कोशिश, अच्छा उछाल, हाफ अडेड अपील, लेकिन अच्छी गेंद थी। जब देखा कि उसामा कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी लंबाई को खींच लिया था वहां पर गेंदबाज ने। इस मरतबा लंबा हिट, ये जाएंगी मैदान के बाहर, कमाल का शॉट उसामा के बल्ले से, मेगा 6।
उसामा, वाकई में इस सीजन में दो टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जहां पर नंबर दो पे मैन ऑफ द सीरीज के लिए रैंक कर रहे थे, दो टूर्नामेंट ऐसे हैं जहां पर वो बेस्ट बॉलर के लिए रैंक कर रहे थे दो नंबर पे, तीन बार हालांकि वो बेस्ट बॉलर हैं। इस वक्त अल्लामा शिबली नौमानी ट्रॉफी को आप देख रहे हैं और उनका ताल्लुक आजमगढ़ से था लेकिन सुल्तानपुर से शाहरुख ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए विक्की, सिक्सर आने के बाद स्कोर 19 पे पहुंचा है। उसामा बल्लेबाजी कर रहे हैं 12 पर, एक विकेट भी हासिल किया था उसामा ने। कट किया है, बहुत खूबसूरत शॉट, पॉइंट के ऊपर से चार रन, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, शॉट वाइड एंड पनिश्ड, कमाल की बल्लेबाजी उसामा की। विक्की की गेंद, उसामा को फिर मोड़ दिया है गेंद को, फुल टॉस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक रन बनता हुआ। लगभग अब पनियर ने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है, दो ओवर में 24 बने और यहाँ से देखना है कि पनियर कितने ओवर में जीतती है, कितने विकेट से जीतती है या पलटवार करती है एसबी। एक तरफ शाहिद अंसारी हैं तो दूसरे तरफ फाइक अंसारी हैं, दोनों टीमों में दो भाई खेल रहे हैं, ये अहवाल आपको बताएंगे मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। तो पहले दौर की समाप्ति पर एक अच्छा टोटल बना लिया यहाँ पर पॉइनियर स्पोर्ट्स ने, जहाँ पर 24 रन बन चुके। अब यहाँ से जो रन चाहिए पॉइनियर स्पोर्ट्स को, 19 रन चाहिए 24 गेंदों में। एक विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे उमर खान, जो चार रन बनाकर वापस लौटे। अभी भी वहाँ पर रमीज रईस इस वक्त निची बैकलिप से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ देते हुए उसामा जो एक सिक्सर और दो बाउंड्री लगाई उन्होंने, अच्छी बल्लेबाजी करे। जबकि तीसरा ओवर लेकर आते हुए बाला जूनियर, पहली गेंद वहां पर बाला की विकेटों के बीच में रखा था, वहां पर अच्छा ड्रॉइल आता हुआ उसामा के बल्ले से थोड़ा सा वहां पर मिसफील्ड होता हुआ और उसका फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज दो रन पूरे किए। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस दो रन की मदद से 26 रनों पर, 43 रनों के लक्ष्य का पीछा इस वक्त करती हुई पॉइनियर स्पोर्ट्स। इस बार हुक कर दिया इस गेंद को, खाली क्षेत्र की दिशा में गेंद जाती हुई चार रनों के लिए। तो अच्छा स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ वहां पर उसामा के बल्ले से, बहुत ही खराब गेंद रही थी वहां पर बाला जूनियर की, बहुत आगे ही गेंद को पटक दिया। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को हुक स्ट्रोक खेला था वहां पर उसामा ने। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर, देखना है, स्वीप कर दिया एक बार फिर से वहां पर उसामा ने, अच्छी फील्डिंग होती हुई डीप में, एक रन आ जाएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस एक रन की मदद से 31 रन पर। तीसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं। अब यहां से जो रन चाहिए पॉइंटर स्पोर्ट्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए 12 रन चाहिए। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर, देखना है, पुल कर दिया इस गेंद को करण, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन पूरा करते हुए।
लगातार हम देख रहे कि बाला जूनियर जो गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादातर गेंदे वो फुल टॉस कर रहे हैं। बिल्कुल बाबे सर, 26 तारीख को सिटी और ग्रामीण के बीच में एक मुकाबला हम देखेंगे, जहाँ पर सिटी के सितारे और ग्रामीण के सितारे हम देखेंगे। पॉल एडम की यादें ताज़ा होती हुई, जो साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज थे और बिल्कुल बाएं हाथ के थे, फर्क ये था, लेकिन उनका बॉलिंग एक्शन, बिल्कुल उसी बॉलिंग एक्शन से बाला गेंदबाजी कर रहे। इस बार देखना है कौ कॉर्नर की दिशा में खेल दिया इस गेंद को, गेंद जाती हुई मस्तक पे दस्तक, 6 रन। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ एक बार फिर से उसामा के बल्ले से। तो ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखे तो अब तक जो रन बनाए पॉइंटर स्पोर्ट्स ने 38 रन। अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए 5 रन चाहिए। तो लास्ट दिन 26 तारीख को बाबे सर हमें एक तरफ ग्रामीण के सितारे तो दूसरी तरफ सिटी के सितारे देखेंगे, जहां पर ग्रामीण में हम भावेश पवार को, जयेश पाटिल को, हेमंत हरट को, कुमार गुंड को देखेंगे, दीपेश माली, सचिन गायकवाड़, सुभाष ठाकरे, पवन केने, सूरज केने, आकाश वारगड़े, हिमांशु पाटिल, जय पाटिल। तो दूसरी तरफ सिटी में हम देखेंगे मतीन खान, बिलाल शेख, श्याम चौधरी, गयासुद्दीन शेख, मुनाफ शेख, दानिश काजी, फाइक अंसारी, माजिद बोबड़े, उसामा, शाकिब खान और यासर शेख और सैफ शेख। तो 26 तारीख को सिटी और ग्रामीण का एक मुकाबला रखा गया है। दिगंबर को इस वक्त गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है वहां पर। उसी बीच देखना है वहां पर पंच कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ रमीज रईस के बल्ले से, इस बार बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए रमीज रईस। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस चौके की मदद से 42 रनों पर। 1 रन अब चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए पॉइंटर स्पोर्ट्स को। पहला ही मुकाबला अपने नाम करते हुए अल्लामा शिबली नुमानी ट्रॉफी का पॉइंटर स्पोर्ट्स। इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर रमीज रईस। अच्छी गेंद रही दिगंबर की, अच्छा कमबैक करते हुए, क्योंकि पिछली गेंद पर 4 रन आ गए थे, उसके बाद अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ गेंदबाज दिगंबर द्वारा। दिगंबर ने आज बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी, जहां पर 28 रन उन्होंने बनाए थे अपनी टीम के लिए। इस बार गेंद की लाइन में आकर उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी और उसी बीच आउट हो गए, विकेट गिरता हुआ इस वक्त रमीज रईस के रूप में। 6ठी मरतबा इस सीजन में रन आउट हुए अच्छी बल्लेबाजी के बाद रमीज रईस। कल भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, 4 चौके लगाए थे, लेकिन उनके रन आउट होने के बाद जो टारगेट पॉइंटर को चाहिए था वो टारगेट नहीं मिला। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी के बाद रन आउट होकर वापस लौटते हुए रमीज रईस। अब 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे उसामा। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त दिगंबर की, और अभी भी हम देख रहे हैं एसबी स्पोर्ट्स फाइट कर रही है। अच्छी चीज भी है क्रिकेट के लिए कि लास्ट तक आपको गेम को नहीं छोड़ने चाहिए, और वही इस वक्त करते हुए दिगंबर 20 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 30 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। व्हाट अ इनिंग ही प्लेड, इनक्रेडिबल इनिंग फ्रॉम सिल्वर आर्म्स। तो इस बार पैरों के सामने इस गेंद को खेल दिया वहां पर फ्लिक के अंदाज में। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है पॉइंटर स्पोर्ट्स ने। तो आज के दिन का पहला मुकाबला, इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला अपने नाम करती हुई पॉइंटर स्पोर्ट्स। कॉन्ग्रेचुलेशन पॉइंटर स्पोर्ट्स अल्ताफ बाली एंड पॉइंटर द कैप्टन जावेद एंड हार्ड लक नौशाद खान, हार्ड लक एसबी स्पोर्ट्स। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं अल्लामा शिबली नोमानी ट्रॉफी के पहले ही मैच के पॉइंटर के ऑलराउंडर
सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी उसामा, एक विकेट लिया और 31 रन नट आउट बनाए। उसामा इज द मैन ऑफ द मैच। दोनों टीमें एक दूसरे से मिलती भी, ये भिवंडी बीसी फोर सिटी क्रिकेट की जीत है, ये भिवंडी तालुका क्रिकेट की जीत है। क्रिकेट फॉर पीस एंड क्रिकेट फॉर यूनिटी। 1857 में अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश हुई थी और 1914 में इस दुनिया को उन्होंने खैरबाद कहा था। अगला मुकाबला शुएब मेमन फेम टीम विक्टोरियन वन द टॉस सेलेक्टेड बैट फर्स्ट अगेंस्ट बालाजी स्पोर्ट्स दयानंद चोड़गे फेम टीम। उसामा इज द मैन ऑफ द मैच। पायनियर गिवन वे 100% परफॉर्मेंस इन फर्स्ट मैच। वेलकम उसामा। वाव, पानी दिखाया जा रहा था अदनान शेख कि देने सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी साफ और सुथरा। वाव पानी। ट्रॉफी के लिए मैं शहबाज खान आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उजैर खान स्पॉन्सर ये ट्रॉफी उसामा को देना है। शहबाज शेख स्पॉन्सर बॉल सेट देना है। जैन, जैन से रिक्वेस्ट है कि गिफ्ट एम्पर देना है। शहबाज शेख स्पॉन्सर, राहिल शेख स्पॉन्सर बेल्ट को देने जा रहे हैं। पापा, पापा भाई से रिक्वेस्ट है। और आखिर में शुएब भाई स्पॉन्सर खजूर बॉक्स बड़े पापा देंगे। फर्स्ट ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन उसामा। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आए दिन बाहर के ट्रॉफी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हालांकि काफ़ी कप हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप अपनी तरफ से 100% बेहतर से बेहतर देते जा रहे हैं। आज ये जो पहला मुकाबला था जहां पर बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल थी, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी की, क्या रीज़न रहा? पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा, और जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह और अच्छा खेलेंगे, इस वजह से हम लोग अच्छा खेल रहे हैं और आगे चल के भी अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। आज देर शाम फिर से आपका मुकाबला बालाजी और विक्टोरियन की विजेता से है, तो उम्मीद की जाती है कि सिल्वर आर्म्स फिर अपने आर्म्स का जादू चलाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर। दो बार आपने किए भले से एक विकेट लिया, गेंदबाजी बहुत अच्छी रही, बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छा साथ दिया, इस जीत को आप किसके नाम देंगे? मैं अपनी टीम को अल्ताफ बाली से। ऑल द बेस्ट। ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच उसामा। हमारे बीच में शोराब भाई और इमरान भाई भी जुड़ चुके हैं, आप दोनों का भी इस्तकबाल है। इमरान भाई और शोराब भाई, बालाजी स्पोर्ट्स आपको अपना फील्ड सजाना है। दोनों अपना बीच मैदान पे जाने की तैयारी में। वाव पानी आप देख रहे हैं, सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी साफ और सुथरा। वाव पानी।
वो पानी पीजिए और हिट और फिट रहिए। अदनान शेख का ये ब्रांड है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अल्लामा शिबली नुमानी ट्रॉफी 2020, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पहला ही मुकाबला हमने देखा था पॉइंटर स्पोर्ट्स और एसबी स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर पॉइंटर स्पोर्ट्स ने जीत प्राप्त कर ली है। बालाजी स्पोर्ट्स, आपको तुरंत अपना फील्ड सजाना है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं। विक्टोरियन की तरफ से रमजान और उनका साथ देंगे। अज्जू बालाजी स्पोर्ट्स में हम प्रिंस मूवीज के प्रथमेश को भी देखेंगे एक्शन में। लगभग 2 साल के बाद वो क्रिकेट में वापसी करते हुए, तब खेला करते थे वो जब उनकी टीम रहा करती थी प्रिंस मूवीज, उस टीम के वो कैप्टन रहा करते थे। लेकिन इस वक्त अब बालाजी स्पोर्ट्स के लिए खेलते हुए फील्डिंग लगानी है तुरंत बालाजी स्पोर्ट्स। ये देखिए जारियाब इंटरप्राइजेस की तरफ से ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये ड्रिंकिंग वाटर